दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑटो कैड के बाद स्टैट प्रो सीखना चाहिए या रेविट सीखना चाहिए। काफी लोगों के अंदर दिमाग में क्वेरीज रहता है और वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में बता दिया जाता है ये सीखो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और इस तरीके का गाइड आपको कर दिया जाता है। बट आज के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑटो कैड के बाद स्टैट प्रो सीखना चाहिए और रेविट सीखना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों काफी लोगों ने पूछा कि सर मैं ऑटोकैड के बाद स्टैट प्रो सीखूं या रेविट सीखूं, और वो जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में भी थोड़ा सा लोग दिमाग लगा लेते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? उनके पास जिस चीज का ट्रेनर रहता है अवेलेबल, उस चीज के बारे में प्रमोट करने लगते हैं कि आप इसको सीखो या इसको सीखो। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके लिए ऑलराउंडर है। मैं रेविट भी पढ़ाता हूँ, ऑटोकैड भी पढ़ाता हूँ और सारे सॉफ्टवेयर स्टैट प्रो, ईटैश, टेक्ला, 3ds मैक्स, गोल स्केचअप सब पढ़ाता हूँ मैं खुद ही। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें सीखना क्या चाहिए, या ऑटोकैड के बाद रेविट या फिर स्टैट प्रो। देखो यार, ये सीधे आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको BIM यानी बीम में जाना है या स्ट्रक्चर में जाना है। अब सोचोगे आपकी सर मैं कैसे पता करूं कि मैं बीम में जाऊं या स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर में जाऊं, आपके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। बहुत आसान है इसको पता करना। अगर आपको लगता है मेरा स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट अच्छा है यानी RCC अच्छा है, स्टील अच्छा है, सोम अच्छा है, मैकेनिक्स अच्छा है, तो आप स्टैट प्रो को सीखो और स्ट्रक्चर के फील्ड में जाओ, आपका बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगा। अगर आपका प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, आपकी एक्सटीरियर मॉडलिंग बहुत अच्छी है, आप इन सब पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, तो आप बीम में जाओ। एस्टिमेशन आपका बहुत अच्छा है, आप बीम में जाओ। बीम यानी BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में जाओ, आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। तो अगर आपको बीम में अपना कैरियर बनाना है तो रेविट में जाओ, और अगर आपको अपना कैरियर स्ट्रक्चर में बनाना है तो आप स्टैट प्रो में जाओ। सीधे सीधे क्लियर है। अगर स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो आप स्टैट प्रो में जाओ। अगर आपके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नहीं, प्लानिंग आपकी अच्छी है, एक्सटीरियर डिजाइनिंग अच्छी है, तो आप रेविट में जाओ यानी BIM में जाओ। अब होता क्या है, आप जब रेविट के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हो और या स्टैट प्रो के लिए जाते हो, स्टैट प्रो के लिए तो जनरली पूरा का पूरा सिलेबस जो रहता है वो दिखाया जाता है, बट रेविट में आपको बोला जाता है रेविट सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। बट रेविट में क्या सिखाया जाता है, केवल और केवल रेविट आर्किटेक्चर। और जब आप केवल रेविट आर्किटेक्चर सीखते हो और फिर आप जॉब के लिए जाते हो तो वहां पे क्या पूछ लिया जाता है, आपको रैबिट स्ट्रक्चर आता है क्या? आप बोलते हो रैबिट स्ट्रक्चर? हाँ जी, रैबिट स्ट्रक्चर और रैबिट आर्किटेक्चर दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो तो उनको बोलो कि मुझे रैबिट आर्किटेक्चर और रैबिट स्ट्रक्चर सर दोनों सिखाइए या मैडम दोनों सिखाइए, क्योंकि आप किसी भी जॉब में जाएंगे आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर पर्टिकुलर आप BIM में जा रहे हैं, वैसे तो MEP भी लगेगी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग रैबिट में ही है, रैबिट का तीसरा पार्ट, बट उसको अगर अभी नहीं सीखेंगे आप तो भी आपका काम हो जाएगा। बट रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर दोनों सीखिए, और साथ ही साथ रैबिट के अंदर एस्टिमेशन होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने एस्टिमेशन के 3 या 4 पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो किस तरीके से एस्टिमेशन करते हैं पूरे बिल्डिंग का, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट होगा रैबिट सॉफ्टवेयर। और स्टैट प्रो के लिए केवल स्टैट प्रो सीख के आपको लगता है मैं जॉब पा जाऊंगा, बहुत ही गलत सोच रहे हो आप। जब आप स्टैट प्रो सीख रहे हो तो आपको सोम आना चाहिए, और सोम में भी SFD, BMD और डिफ्लेक्शन आना चाहिए सबसे ज्यादा, और उसके साथ आपको स्टैट प्रो के अंदर मैनुअल डिजाइन आनी चाहिए। मैनुअल डिजाइन आपको स्टैट प्रो के अंदर नहीं, मतलब स्टैट प्रो सीखने से पहले आपको मैनुअल डिजाइन अगर नहीं आती है तो फिर आप अगर सीख भी रहे हो तो किसी काम का नहीं। मैंने लास्ट टाइम बताया था एक बुक डॉक्टर BL शाह की बुक थी, बहुत ही अच्छी थी, उससे आप मैनुअल डिजाइन आप सीख सकते हो। उसके अलावा भी वो दूसरी बुक से है, जैसे कृष्णा राजू है और भी जो दूसरे आपके पास होंगे वो भी अच्छी है, बट BL शाह में क्या है उसमें पर्टिकुलर G+3 की बिल्डिंग डिजाइन कैसे होती है वो बताया हुआ है, उसको सीख के तब अगर स्टैट प्रो आप सीखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये दोनों आप अगर सीख लेते हैं आप क्लियर हो गया होगा, आपको अगर बीम में जाना है तो आप रेविट, और स्टैट में जाना है यानी स्ट्रक्चर में जाना है स्टैट। इस तरीके से दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग है। हाँ, जब बीम में जा रहे हो तो कुछ चीजें और ध्यान रख लो, बिल्डिंग बाय लॉ, रेरा, प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स और एक्सटीरियर मॉडलिंग खूब अच्छी कर लेना, तब जाके रैबिट सॉफ्टवेयर सीखना, जिसमें रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट आर्किटेक्चर सीखना और एस्टिमेशन भी सीख लेना, और स्टैट का मैंने आपको बता दिया।
अब क्लियर हो गया होगा, आपको डाउट नहीं आएगा कि मुझे, क्योंकि ये डाउट मैक्सिमम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चों को आता है क्योंकि उन्होंने ऑटोकैड इंस्टीट्यूट में सीख रखा है। प्रॉब्लम ये होती है इंस्टीट्यूट में जो आप ऑटोकैड सीखते हो भी आप सही से नहीं सीखते हो। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आप चेक कर सकते हो कि आपको ऑटोकैड सच में आता है या सिर्फ कागज वाली डिग्री है, आप वो चेक कर लेना आपको सच में आता है कि कागज वाली डिग्री है। आई बटन पे वो वीडियो में लगवा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्टेट या आईटीआई को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करो, दोनों में ग्रोथ है, मैं बता दे रहा हूँ दोनों में ग्रोथ है। सिर्फ नॉलेज किस लेवल पे है आपका वो इंपॉर्टेंट। अगर स्टेट प्रो आपका नॉलेज यहाँ है और आपने सीख रखा है और रेविट भी यहीं पर सीख रखा है, कोई मतलब नहीं, आप केवल एक को सीखो, मान लो स्टेट प्रो सीखो यहाँ, डेफिनेटली आप वहां पर अच्छा करोगे। आप सिर्फ रैबिट सीखे हो बट यहाँ लेवल पे और आप वहां पे 100% आपको आता है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी बीम के अंदर। दोनों प्रोफाइल में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। सिर्फ देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि जब तक यार इंटरेस्ट नहीं होता, अब देखो मेरा इंटरेस्ट है तभी तो मैं आपके लिए वीडियोस तैयार करता हूँ। इंटरेस्ट नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे उसमें अच्छे तरीके से और आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा तो इसको 4 लोगों को शेयर कर देना यार, और व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस वगैरह लगा देना। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जल्दी से 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको मैनुअल डिजाइन सिखाने वाला हूँ पूरी तरीके से, तो जल्दी से 10K कंप्लीट करिए, आपको भी मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।